Hello there everyone, welcome back to Aesthetic Pattern. In this aesthetic episode, we are going to talk about few products which I bought few months back. So let's get started with the video. तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रोडक्ट जो मैंने कामा आयुर्वेदा से और खादी हर्बल से खरीदे थे. जो मेरे को लगा था कि मैंने जितना उनके बारे में सुना था वो अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मेरे ऊपर भी उतना अच्छा वर्क करेंगे जिस हिसाब से मैंने उनके रिव्यू पढ़े थे. ट्रस्ट भी मैंने उनके बहुत अच्छे रिव्यू पढ़े थे. पता नहीं ये मेरे साथ ही हुआ है या पता नहीं और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो सिर्फ मेरे ऊपर ही इतने ख़राब वर्क किए कि मतलब मैं क्या बताऊँ. मेरे को उनको ख़रीदने के बाद ऐसा लगा कि शायद मेरी मनी वेस्ट हो गई इन प्रोडक्ट्स में. तो मैं आपको पहले वो प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो थोड़े अच्छे थे और फिर बाद में वो दिखाऊँगी जो बिल्कुल मनी वेस्ट प्रोडक्ट थे. तो मैं पहले सबसे आपको दिखाऊंगी कामा आयुर्वेदा का ये फेस वॉश. कामा आयुर्वेदा का ये रोज जैस्मिन फेस क्लींजर फेस वॉश है. फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था, मैं इनके ब्रांड की तरफ इस वजह से अट्रैक्ट हुई थी क्योंकि एकदम ये क्लेम करते हैं कि एकदम नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं इनके, कोई भी किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं होती इनके प्रोडक्ट्स में, टॉक्सिन्स फ्री प्रोडक्ट होते हैं. तो इस वजह से मेरे को लगा कि चलो ठीक है, एक बार ही ट्राई करके देख लेते हैं. और मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना भी हुआ था इनके प्रोडक्ट्स के बारे में. तो मैंने सोचा ठीक है, फिर सबसे पहले फेस वॉश से ही स्टार्ट करते हैं. तो मैंने सबसे पहले ये वाला फेस वॉश मंगाया था. जनरली मे बी लोग यही मंगाते होंगे और मैंने इसके ही रिव्यू सबसे ज़्यादा देखे थे लोगों के वीडियोज़ में. तो इसको लगाने के बाद जो मेरा रिजल्ट रहा कि मेरे फेस बहुत ज़्यादा ड्राई आउट होने लगा था. कुछ टाइम बाद मैं इसको जैसे जैसे यूज़ करती रही, मैंने जब फर्स्ट डे इसको यूज़ किया था तो मेरे को इससे बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं दिखा था. बस ऐसा लगा था कि हाँ थोड़ी सी डस्ट क्लीन हो गई है फेस पे से, और मेरे को उससे उसके अलावा और मेरे को इतना ज़्यादा कोई रिजल्ट दिखा नहीं था. तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो कुछ टाइम यूज़ करके देखते हैं, मे बी उसके बाद रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा. क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है तो कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़े टाइम बाद ही उनका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है. तो मैंने यूज़ करती रही. तो यूज़ करते करते धीरे धीरे मेरी स्किन ड्राई आउट होने लगी एकदम. उसका ऐसा लगा था कि जो एकदम ग्लोइंग स्किन थी वो धीरे धीरे जाती जा रही है और डलनेस आती जा रही है. तो उसको यूज़ करते करते मेरे फेस में काफ़ी ज़्यादा डलनेस होने लग गई थी. और थोड़े टाइम बाद पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था ऐसे डस्ट भी क्लीन नहीं हो रहा है. लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी. इसकी जो पैकेजिंग अच्छी थी, पम्प बॉटल में है और फ्रेग्रेंस अच्छी थी. तो लेकिन इसलिए तो हम ये चीज़ें खरीदते नहीं है ना, हम तो इसीलिए खरीदते हैं कि आपके फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर हमारे एटलीस्ट अगर कुछ ना करे तो पोर्स क्लीन तो अच्छे से कर ही दे फेस वॉश, और डस्ट क्लीन तो कर ही दे फेस से. पता नहीं क्यों इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी खास इसमें दिखा नहीं कि इसे यूज़ करके कुछ मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा ग्लो आ गया फेस पे और बहुत कुछ हो गया. तो मेरे लिए मनी वेस्ट तो नहीं कहूँगी, मुझे अच्छा लगा था कुछ टाइम तक. लेकिन जैसे जैसे मैं यूज़ करती गई इसको और मेरी स्किन डलनेस की तरफ आती गई तो फिर मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था इसको यूज़ करना. फिर मैंने दोबारा कभी भी इस प्रोडक्ट को कभी भी परचेज नहीं किया. तो ये मैं वो रिव्यू दे रही हूँ जो मैंने इसको यूज़ करने के बाद फील किया है कि जो मेरी स्किन पे इसका रिजल्ट रहा है. आपकी स्किन पे भी कुछ अलग रहा होगा या फिर सेम आपकी स्किन पे भी रहा होगा. तो आपके भी जो भी व्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप मुझे एक बारी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ. तो मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट ओके था, नॉट सो गुड, कुछ भी बहुत अच्छा मेरी स्किन पे रिजल्ट नहीं दिखा इससे. ओके, सेकेंड प्रोडक्ट है ये कामा आयुर्वेदा की नाइट क्रीम. कामा रिजुवेनेटिंग एंड ब्राइटनिंग आयुर्वेदिक नाइट क्रीम. 50 ग्राम्स क्रीम थी ये और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 2250. और अंदर से ये बाहर से तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है. तो कामा की पैकेजिंग तो मस्त ही होती है, इनकी कुछ अच्छा हो ना हो इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है. अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी, एकदम अंदर से ये इस तरीके की डिब्बी में आया था. और ये जो जार था वो ग्लास जार था, ऐसे डार्क कलर के ग्लास जार में आई थी. और इसके साथ ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऐसे ये वुडन स्पून भी साथ में उन्होंने दी थी. तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी.
हाइजीनिक हो जाता है, अंदर आपको अपनी फिंगर स्लिप नहीं करनी पड़ेगी डायरेक्टली, ऐसे उसको लो वुडन स्पून को लो और लगा लो अपने स्किन पे। ओके अंदर से ये कुछ इस तरीके की थी, अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ इस तरीके से डार्क कलर में आई थी और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ थोड़ी सी आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, कुछ ऐसी सी थी। इसका रिव्यू मैं आपको यही दूंगी क्योंकि मेरे फेस पे पिगमेंटेशन वगैरह होती है और मेरे को मेनली जो नाइट क्रीम होती है वो पिगमेंटेशन के लिए, और जो थोड़ी सी फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं और बाकी जो छोटी छोटी जो भी कमियां होती हैं स्किन में उनको नाइट क्रीम्स अच्छे से दूर कर देती हैं। और जब आप सुबह उठें तो आप चाहते हैं कि जब आप सोते हो तो आपकी स्किन रिपेयर हो चुकी हो, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपकी स्किन ग्लोइंग हो, आपकी स्किन जब आप सुबह उठ रहे हैं मॉर्निंग में तो ग्लोइंग दिखे। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद फर्स्ट चीज़ तो यही कि जब मैंने इसको अपनी फेस पर अप्लाई करती थी तो इतना ज़्यादा स्वेट आता था मेरी स्किन पर, इतना ज़्यादा स्वेट आता था कि एकदम ऐसा लगता था कुछ पिघल के निकल रहा है मेरी स्किन में से, बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाता था मेरी स्किन के ऊपर। और धीरे धीरे इसको लगाने के थोड़ी देर बाद स्किन एकदम डार्क सी दिखने लगती थी, एकदम डार्क एकदम डल सा कलर हो जाता था, ऐसा लगता था कि एकदम पता नहीं क्या मैंने लगा लिया है जो इतनी ज़्यादा डार्क और डल स्किन हो गई है। और उसको कुछ टाइम यूज़ करने के बाद वही सेम चीज़ जो फेस वॉश के साथ थी वही इसके साथ होने लगी थी, मेरी स्किन को एकदम डल करने लग गया था, धीरे धीरे डार्क हो गया था कॉम्प्लेक्शन मेरा और पता नहीं अजीब सा रिजल्ट हो गया था। और पिगमेंटेशन कम होने की जगह मेरे फेस पे ज़्यादा बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि पिगमेंटेशन जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको कम करने की जगह उनको और ज़्यादा मतलब बढ़ाया है इसने। तो मेरे को लगा था कि मतलब ये तो पैसे एक तरीके से मनी वेस्ट ही हो गई मेरी और बिल्कुल कोई रिजल्ट ही नहीं मुझे इसका दिखा, ग्लोइंग स्किन तो बिल्कुल दूर की बात है। और नॉर्मल जो काम करती हैं क्रीम्स वो भी इसने नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए तो ये मनी वेस्ट क्रीम ही थी, मेरे तो मुझे ऐसा लगा कि मनी वेस्ट ही हो गई। थोड़े टाइम बाद मैंने इसे यूज़ करना ही बंद कर दिया था और तब से अब तक ये जो मैंने आपको दिखाया अंदर से ये ऐसी ही इतनी पड़ी हुई है इसमें, मतलब ये मैंने 2200 रुपये की क्रीम खरीदी और उसके बाद ये ऐसी वेस्ट पड़ी है, मैंने यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा इसने ख़राब कर दिया था, डल कर दिया था। तो मेरा तो यही इस पर है रिव्यू कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं इसको दोबारा अपनी लाइफ में कभी भी परचेज नहीं करूँगी, अपने पैसे कभी भी वेस्ट नहीं करूँगी इसके ऊपर। खादी नेचुरल के प्रोडक्ट्स दो शैम्पूज हैं ये, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में खादी हर्बल बोल दिया था, खादी नेचुरल के हैं। एक है ये बॉडी सैंडल एंड हनी बूस्ट हेयर ग्रोथ इंटेंसिव हेयर नरिशमेंट प्रिवेंट्स अगेंस्ट पोल्यूशन एस फॉर स्मूथ सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर SLS एंड पैराबेन फ्री। और जो दूसरा है वो है इनराज नेचुरल कंडीशनर मेक्स हेयर नेचुरल ब्लैक एंड शाइनी प्रमोट्स हेयर ग्रोथ एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स SLS एंड पैराबेन फ्री। ओके इन दोनों को मैंने एक साथ में ही परचेज किया था क्योंकि मैंने इनका जो है बॉडी सैंडल और हनी वाला पहले जो मैंने यूज़ किया था वो था बिना SLS और पैराबिन के साथ, जो SLS और पैराबिन के साथ था वो मैंने यूज़ किया था, बाद में फिर मैंने सोचा कि बिना SLS और पैराबिन का मंगा लेती हूँ क्योंकि क्यों अपने बालों पर टॉक्सिन्स यूज़ किया जाए या फिर क्यों ऐसी चीज़ें यूज़ किया जाए जो हार्मफुल हो हमारी स्कैल्प के लिए, जब आप पहले ही अगर हेयर प्रॉब्लम से परेशान है तो फिर क्यों SLS और पैराबिन के साथ आप चीज़ें पता है आपको उनमें है तो आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने उनके बिना वाला ऑर्डर कर लिया, तो इसको मैंने यूज़ किया जब मैंने इनका जो पहले वाला था जो SLS और पैराबिन के साथ था वो मेरे बालों को बहुत अच्छा वर्क किया था, बहुत ही अमेजिंग था उसका रिजल्ट, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी और सॉफ्ट हो गए थे और बहुत ही मतलब मेरे को ऐसा जेन्युइनली लगा था कि कुछ ही वीक्स में उसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल सच में ग्रो हो गए थे, मतलब सच में मेरे को लगा था कि मेरे बालों की लेंथ बढ़ गई है। लेकिन फिर मैंने जब इनको मंगाया और इस वाले को मैंने जब यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि यार बहुत ज़्यादा मेरे बाल सॉफ्टनेस की जगह एक ड्राइनेस उस पर जाने लग गए धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट वॉश ही आप करते हो ना कि आपने अभी
कुछ लगाया और अचानक से एकदम चेंजेस आ गए, मतलब इस तरीके की एकदम जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया। इस तरीके से हुआ कि मैंने जैसे ही यूज किया उसको ना, मतलब ड्राई इची स्कैल्प हो गई मेरी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मेरे बाल ऐसा लग रहा था कि ख़त्म होने लग रहे हैं मेरे सर पे से। तो फिर मैंने इसको सोचा कि पता नहीं क्या हो गया इसमें, ऐसे में सर पैराबिन के साथ है ये तो बल्कि और अच्छा वर्क करना चाहिए था मेरे स्कैल्प के ऊपर, लेकिन इसने तो बल्कि मेरे बालों को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, ड्राई आउट कर दिया। तो मेरा तो यही है कि अगर आपको यूज़ करना है तो आप इनके जो SLS और पैराबिन के साथ है आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, वो शायद आपके बालों में बहुत अच्छा वर्क करेगा, लेकिन इनसे यूज़ करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाएंगे और जो आपकी स्कैल्प है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है जैसा मेरे साथ हुआ। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ये यूज़ किया है तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करके बताना आपके ऊपर ये कैसा वर्क किया था। और जो वही सेम मेरा वर्डिक्ट जो है वही सेम, ये तो मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था जब से ऐसे ही पड़ा है इतना का, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया था। इसकी फ्रेगरेंस भी उतनी अच्छी नहीं थी, पता नहीं बहुत अजीब सी फ्रेगरेंस थी इसकी। जो ये वाला शैम्पू था इसकी फ्रेगरेंस तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सैंडलवुड की इसमें फ्रेगरेंस आती है, लेकिन ये वाली जो थी इसमें बिल्कुल भी अच्छी फ्रेगरेंस मेरे को लगी नहीं थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी, ऐसे लगता है जैसे कि अगरबत्ती लगा ली हो सर में, इस तरीके की इसकी फ्रेगरेंस है मेरे को ऐसा लगा था। और वही सेम चीज़ हुई, इसको भी यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई बाल हो गए। और यही कहना चाहूँगी इन प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरे को इन कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ का रिव्यू दे रही हूँ जो मैंने परचेस किए हैं, जो मेरे ऊपर अच्छे वर्क नहीं किए हैं या फिर मेरी स्किन के साथ या मेरी स्कैल्प के साथ अच्छा उनका कॉन्टैक्ट नहीं रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी और यही मैं बोलना चाहूँगी इन प्रोडक्ट्स के बारे में। हो सकता है कि मैं इनके और भी कोई जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं परचेज करूँ और फ्यूचर में उनका एक पॉजिटिव रिव्यू दूँ जो मेरे ऊपर अच्छे वर्क करें। तो यही कहना चाहूँगी जो मेरे ऊपर है, जो मेरे ऊपर वर्क किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन प्रोडक्ट्स के साथ, मैं आपको वही बता रही हूँ और किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर रही हूँ या फिर किसी के बारे में ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये मत खरीदो, आप वो मत खरीदो। आपके ऊपर जो बेस्ट चीज़ आपके लिए है, जो आपके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है, आप वही परचेज कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।